हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पालंग पनीर। इसके लिए हमें चाहिए पालंग, धनिया, 200 ग्राम पनीर, लहसुन, अदरक, 2 टमाटर और 2 छोटे प्याज। इसके साथ हमें 100 ग्राम मटर भी चाहिए। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच दही और थोड़ा सा बटर, नमक और चीनी। और मसाले में आपको चाहिए जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 4 से 5 लौंग और 1 मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला। पहले कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा जीरा और कटे हुए प्याज डाल दीजिए। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें कटी हुई अदरक और लहसुन डालकर इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक पकाएं। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। इस टमाटर को कुछ देर के लिए पका लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब हम इसमें पालंग डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे और उसे भी पका लेंगे और आखिर में हम ये मिर्च डाल देंगे। अब इन पकी हुई सब्जियों को हम थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमने जो बटर लिया था हम उसे कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद हम उसमें लौंग, दालचीनी, इलायची और बड़ी इलायची भी डाल देंगे। अब हम पहले मटर को डाल देंगे और ये जो मसाले हैं उनको हम धीरे धीरे एक प्लेट में उठा लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इस पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और जो कसूरी मेथी है उसे भी डाल देंगे। एकदम आखिर में अब हम पनीर के स्लाइस को डाल देंगे। आप 1-2 पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में भी दे सकते हैं, ये अच्छा लगता है खाने में। अब इसे 5 से 10 मिनट और पका लीजिए। इसी तरह से तैयार हो जाता है पालंग पनीर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।